प्रैक्टिस चल रही है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 24 बैच, 25 बैच और 27 बैच के तीनों बैच के बच्चे हैं, और आपस में आइए मिलते हैं 24 बैच के गोलकीपर कुछ शर्मा से। तो आप एक्साइटेड हो कल स्पोर्ट्स फेस्ट में? बहुत ज़्यादा। कितने गोल बचा लिए अभी तक आपने? 50-60। सुबह से लगे हो प्रैक्टिस में? अरे आगे गोल बचाओ, गोल बचाओ। अच्छा डिफेंडर काफी अच्छे लग रहे मुझे आपके बैच के। मैंने छोड़े हुए। तो क्या हमारा सीनियर बैच 24 बजे फर्स्ट आएगा? कौन कौन से स्पोर्ट्स खेल रहे हो? क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, सारे गोल्ड आते हैं? चार स्पोर्ट्स और चार मेडल। 25 बैच को जीतना ही है। एक्साइटेड हो? कितनी विकेट लेगी सुबह से प्रैक्टिस चल रही है? मैं तो बॉलिंग ही नहीं करता, विकेट लेता हूं। अच्छा, एम एस धोनी अपनी टीम के? नहीं, नाइस, स्लेजिंग चल रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वैसे पता तुमने हारना है, बट कोई ना। हेलो, एक्साइटेड हो कॉलेज से पहले स्पोर्ट्स फेस्ट का? लग रहा है फ्यूचर गोल्ड मेडल तो आरुषि अकेले निकाल लेगी। यस यस बिल्कुल। कौन सा स्पोर्ट? डॉल्फिन। थैंक यू, फुल तैयारी। ऑल द बेस्ट। अरे स्पोर्ट्स कमेटी की मेंबर भी बैठी है रिक्शा। कौन सा स्पोर्ट? सारे स्पोर्ट्स खेल लिए सब में गोल्ड, फुल तैयारी। प्रैक्टिस करो, ऑल द बेस्ट। तो आइए मिलते हैं 26 बैच की चेतना चौधरी से। लगता है काफी एक्साइटेड है कल के स्पोर्ट्स फेस्ट को लेके। पहला स्पोर्ट्स फेस्ट है यूनिवर्सिटी में, सब कुछ पहला पहला हो रहा है, तो आप कौन से स्पोर्ट में पार्ट ले रहे हो? वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, कबड्डी, टग ऑफ वॉर, डॉजबॉल। सब में पार्ट लेना, सब में गोल्ड मेडल की उम्मीद है। क्या हारना भी है? ना, सब जीतेंगे। अरे हिम्मत देखो, आइए बॉल उठाइए। प्रोटेस्ट के टाइम तो बहुत जोश में थी, आप सोच रहे भी जोश है आपके मन में? क्या लगता है 26 बैच का क्या सीन है? 26 बैच की ही ट्रॉफी है वो, तो चलो देखी जाएगी। आप कौन कौन से स्पोर्ट में पार्ट ले रहे हो? मैं वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तो स्पोर्ट्स ही भूल गए हैं। लगता है बच्चों को काफी थकान हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 5। अरे अरे आइए मिलते हैं इशार की जीवन की स्टोरी से। लगता है आप काफी एक्साइटेड हो स्पोर्ट्स को लेकर? हाँ जी। क्यों? पहला स्पोर्ट्स फेस्ट इसलिए? हाँ जी, पहला स्पोर्ट्स फेस्ट। मैं कॉलेज में आई सोच के थी कि मुझे खेलना है। अच्छा, कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रही हो? 5-6 दिन हो गए। तो लग रहा है 5-6 गोल्ड आ जाएंगे आपके नाम पे। हाँ जी। कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? डॉजबॉल, थ्रो बॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, टग ऑफ वॉर। ये तो मिसाल है कि मारी छोरे छोरों से कम है के, और इन्हें देखिए जो कोई भी स्पोर्ट नहीं खेल रहे और घर जा रहे हैं। शर्म मारनी चाहिए आपको। कॉलेज कैच प्रैक्टिस चल रही है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप सारी कैच ड्रॉप करने वाले हो। आप अभी कैच प्रैक्टिस देख रहे हो? चलो देखिए देखिए, सिद्धार्थ बॉल फेंक रहा है, क्या ये कैच कर पाएगा? 10 रुपए की किट कैच की शर्त है। चल चल अभी, और 10 रुपए की किट कैच मेरे पास। आप इंजरी के बाद लौट रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? थोड़ा टफ हो रहा है, बट अब स्पोर्ट्स फेस्ट है, फर्स्ट फेस्ट है, कुछ तो करना ही है। क्या उम्मीदें लगती है आपको 25 बैच से? बस विनर्स हैं, तो ट्रॉफी आने की तो उठा आप ही रहो ट्रॉफी फिर। ऑब्वियसली कौन कौन से स्पोर्ट में आप पार्ट ले रहे हो? मेरा तो क्रिकेट है, फुटबॉल है और बैडमिंटन, तीन स्पोर्ट। लग रहा है मिश्रा जी तो ट्रॉफी लाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिल सकते हैं स्पोर्ट्स कमेटी के प्रेसिडेंट सर से? सबसे पहले तो मैं इनका बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने हमारा फेस्ट ऑर्गेनाइज किया, डबरा का पहला स्पोर्ट फेस्ट। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जोश है सारे बच्चों में। कौन कौन सा स्पोर्ट खेल रहे हो सर आप? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कबड्डी खेल रहा हूँ और वॉलीबॉल। चलो ऑल द बेस्ट, लेना चाहिए तो ले ही लेता हूँ। कौन सा स्पोर्ट खेल रहे हो आप? कितने दिनों से प्रैक्टिस? क्रिकेट भी खेल रही हूँ मैं। कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो आप? 3 दिन से। आज ही ने 3 गोल्ड आपके? अच्छा, छुट्टी में। कौन कौन सा स्पोर्ट खेल रहा है? लगता है इस इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं है, जैसे कि स्पोर्ट्स फेस्ट के लिए तैयार नहीं है। निशान सर और अमन सर से कैसे हो सर आप? बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी का पहला स्पोर्ट्स फेस्ट आपने कराया सर। सभी बच्चों में सर जोश है, टिकी हुआ है हमारा थोड़ी हुआ है सारा, बट सर आपके आपके प्रयास है जिनकी वजह से हो पाया। सभी बच्चों में बहुत ज्यादा जोश और एक्साइटमेंट है, आप सब डिजर्व करते हैं। यही तो स्पोर्ट्स कमेटी का टारगेट है। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? कल्चर में होता है वो डेवलप करना हमारा टारगेट है। बिल्कुल सर, स्पोर्ट्स कल्चर ला रहे हो, तो आप क्या कहना चाहोगे सभी प्लेयर्स के लिए? आपका क्या मैसेज है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो सर हम देख सकते हैं कि ये बच्चे हॉस्टल की रेट से तो डरते हैं, क्या कबड्डी की रेट से डरेंगे? आइए देखते हैं। मलिक सर से
इस स्पोर्ट्स फेस्ट के अंदर इनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि सब परचेज सब चीज़ें इन्हीं के द्वारा की, अगर बजट भी इन्होंने पास करवाया। थैंक यू सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मोस्ट वेलकम। बजट मैंने पास नहीं करवाया, हम सब की मेहनत है। बिल्कुल सर, लेकिन हम सब का कंट्रीब्यूशन रहा है तब ऐसा हो पाया है, अदरवाइज अकेला आदमी नहीं कर सकता। फिर भी सर स्टिल थैंक फॉर कम्प्लीमेंट। बाकी सर स्पोर्ट्स में जितने सारे बच्चे पार्ट ले रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बेस्ट ऑफ लक, जी जान से खेलो, अच्छा खेलो, बस यही रहेगा, स्पीड बनी रहेगी। मिलते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट बालू सर से। तो सर आपका क्या कहना है स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजर है पहले यूनिवर्सिटी में? मैं कह रहा हूँ कि सबको ग्राउंड में देखते बहुत अच्छा लग रहा है, और अब लग रहा है कि हम एक जो भी हरियाणा फेमस है गेम्स के लिए, अब लग रहा है कि ये हरियाणा में यूनिवर्सिटी। यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे हैं। अरे अरे वीर भाई, यहाँ पे रिसर्च पेपर नहीं लिखना है। अरे मूड कोर्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो ग्राउंड में? ग्राउंड का मुआयना लेने आए हैं क्योंकि हम स्टेज मैनेजमेंट चाहिए। अरे क्या कर रहे हो? चोट लगी है। अरे इंजर्ड इंजर्ड, हमने इंजर्ड किया ताकि इनका मेडल ना आ सके। कौन कौन सा स्पोर्ट खेल रहा हूँ? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कबड्डी खेल रहा हूँ, वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, चेस खेल रहा हूँ। और कब से प्रैक्टिस चल रही है? प्रैक्टिस एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। अच्छा, और प्रैक्टिस जोरों शोरों चल रही है, बढ़िया। तो ऑल द बेस्ट 27 बैच जूनियर्स। ये बिल्कुल सुमान शर्मा से, ये बच्चा क्लास तो बिल्कुल आता नहीं है, सोता रहता है, बट देख सकते स्पोर्ट फेस्ट के लिए सुबह से लगा हुआ है। तो क्या कहना है आपका? इंटरव्यू तो आप काफी देते हो, मैंने पीछे देखे आपके। जी जी, लेकिन मैंने अब आजकल थोड़ा इंटरव्यू देना कम कर दिया है, क्योंकि स्पोर्ट्स फेस्ट पे ज्यादा ध्यान है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स फेस्ट पे ज्यादा ध्यान है। कौन कौन सा स्पोर्ट खेल रहे हो आप? जी मैं खेल रहा हूँ टीटी, फुटबॉल और क्रिकेट। क्या उम्मीद है फिर गोल्ड? बस जीत गया है 25 बैच, और क्या दिक्कत है हमारे साथ, अजीब भूतियाल है। मैं ले चलता हूँ अपने 26 बैच के खिलाड़ियों के पास हमारे साथ। अरे आजा आजा आजा, भाग रहा है यार, तो हार से भाग रहे, ऐसे ही भागेंगे ये, अपनी मैदान में भी ऐसे ही हारेंगे ये लोग। आप लिख के ले लो कि मैन धनीवाल इस फेस्ट को लेकर काफी सीरियस है, ट्रेनिंग चल रही है। बस कुछ रूल्स समझा रहा था। कौन से स्पोर्ट्स के? थ्रो बॉल। थ्रो बॉल के? तो क्या लगता है आपको, अभी जीतेंगे? ये अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको फ्री में? बढ़िया, मुझे लगा बातें मारने आ गए। मैम धनीवाल यहाँ पे कोच बनकर साबित हो रहे हैं, आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या सिखाया इन्हें, ये तो कल ही पता लगेगा। बट आपकी टीम को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये प्राशिता यादव 26 बैच के, प्राशिता हाँ जी, कैसी चल रही है आपकी टीम की तैयारी? बिल्कुल सही चल रही है, सब अपनी अपनी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्या लगता है कौन जीतेगा ये टूर्नामेंट? हार्ड वर्क पेस, तो जो अच्छी मेहनत करेगा वो जीतेगा। आप इनडायरेक्टली कहना चाहते 25 बैच जीतेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। सकता हूँ यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे कॉपी कर रहे 27 बैच से, इन्होंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। क्या एक्साइटमेंट है स्पोर्ट्स फेस्ट को लेकर? बहुत एक्साइटमेंट है। कौन कौन से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं? मैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल और चेस। सही, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कॉपी नहीं करना हमें? नहीं नहीं, ब्लॉगिंग अक्सर हमारे पास है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 बैच का इकलौता लड़का, लड़कियों को तैयारी करा रहा था कि 27 बैच का मेडल आ सके। आइए पूछते हैं लोगों से कैसी तैयारी चल रही है। क्या कहना है आपको? सर टीम प्रिपेयर हो रही है अच्छी, कल तक, कल एक और दिन है हमारे पास, हम संडे तक पक्की टीम बना लेंगे सर, हो जाएगा। अच्छा, तो आपका पहला मैच संडे को है? हाँ जी सर, बॉली का पहला मैच संडे को है सर। तो अच्छी तैयारी चल रही है इसका? लड़कियाँ बहुत तैयारी कर रही हैं, बहुत लगी पड़ी हैं, 3 से बजे आ जाती हैं यहाँ पे। आज 2 दिसंबर आखिरी प्रैक्टिस डे खत्म हो चुका है, तो कल मिलते हैं 3 दिसंबर को, और कल हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट चालू हो रहा है, देखते हैं कौन सा बैच इस बार ही जीतता है। डबरा का पहला स्पोर्ट फेस्ट, सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।